नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि दोस्तों आज का यह वीडियो आपके जीवन के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। यानी कि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप अपने जीवन काल में एक नए उपलब्धि को हासिल कर लेंगे, एक नई दुनिया को ही बना लेंगे जिनमें आपको सभी प्रकार की कामयाबी, हर प्रकार की जीत प्रतिष्ठा और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अक्सर आप सभी के मन में यह सवाल उत्पन्न होते रहता है कि आखिर हमारे ही जीवन काल में इतनी परेशानियां भगवान क्यों देते हैं। आपको भगवान से कभी कभार भरोसा ही उठ जाता है, आप कहने लगते हैं कि भगवान ही नहीं है, नहीं तो हमारे यह दुख तो वह झेल ही लेते। जी दोस्तों, हमारी वह दुख को देखकर हमें समस्याओं का समाधान जरूर देते। दोस्तों इस प्रकार के कई प्रकार के सवाल आप सभी के मन में उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दें कि ईश्वर जो है वह एक सच्चा विश्वास है। जी दोस्तों, अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं तो दोस्तों आपको विश्वास ही करना है। जी दोस्तों, ईश्वर ने खुद यह बात कही है कि ना मैं तेरे आगे हूँ, ना मैं तेरे पीछे हूँ, मैं तो तेरे दिल के विश्वास में हूँ। अगर तुम मुझे चाहोगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। जी दोस्तों, दोस्तों हम आप सभी से बस यही निवेदन करेंगे कि दोस्तों जब भी आप बहुत ही ज़्यादा संकट समस्याओं से जूझ रहे हो और आपको कोई समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों ऐसे में आप बिल्कुल भी ना घबराएं और ईश्वर का स्मरण करें कि दोस्तों ईश्वर भी हमारे परीक्षा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दें कि जब भी हमारी परीक्षाएं चल रही होती है तो दोस्तों शिक्षक क्लासरूम में बिल्कुल ही चुपचाप रहते हैं। जी दोस्तों, इसी प्रकार ईश्वर भी जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो दोस्तों वह चुपचाप रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप भगवान की परीक्षा में पास हो चुके हैं। आपने जितने भी दुख झेले हैं, जितने भी संकट समस्याओं का सामना किया है दोस्तों, उन पर ईश्वर की पैनी निगाहें थी और यश में ईश्वर आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। तो दोस्तों उन खुशखबरियों के बारे में हम पूरे विस्तार से बात करेंगे, तो दोस्तों दिल थाम कर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें। भगवान श्री कृष्ण का श्रीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बिल्कुल ही सटीक बैठती है। आप यह गलतियां करते रहते हैं तो दोस्तों इन बातों को आप गौर से सुने और इन्हें अपने जीवन काल में जरूर प्रयोग करें। जी दोस्तों, आप अक्सर अपने जीवन काल में सोचते रहते हैं कि हम अच्छे होंगे तो लोग भी हमें अच्छे ही मिलेंगे, पर सच तो यह है कि हम जितना ज़्यादा सच्चे और अच्छे होंगे लोग हमारा उतना ही ज्यादा फायदा उठाएंगे। इसलिए दोस्तों ना ही ज्यादा सच्चे बनो और ना ही ज्यादा अच्छे बनो, जैसे लोग मिले वैसे ही बनो। कि दोस्तों आप यह बात जानते हैं कि पिछले समय समस्याओं में कौन से लोग आपके साथ थे और कौन से लोग आपके साथ नहीं थे, तो दोस्तों इन बातों को आप गौर से अपने जीवन काल में याद रखें। अगर दोस्तों यह बातें आपको अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अब आप सभी के जीवन काल में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। दोस्तों यह समय किसी धार्मिक संस्था से जुड़ी गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। समाज में और परिवार में आपका मान सम्मान भी यश में बढ़ेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को यश में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल होने की संभावना बन रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों इस यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो किसी पड़ोसी द्वारा घर में कोई गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए दूसरों का हस्तक्षेप अपने परिवार पर न होने दें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में धन संबंधी निवेश बहुत ही आपको सोच समझकर विचार करके ही इनमें निर्णय लेना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि किसी को पैसा यश में उधार ना दें, क्योंकि दोस्तों रुक रुक कर वापस मिलने की संभावना बन रही है। इसलिए दोस्तों यश में आप इन झंझट में ना पड़ें, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे।
और इसके उपरांत दोस्तों यशो में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दे कि दोस्तों भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए जो भी आप यश में पिछले समय में मेहनत किए थे दोस्तों वह सारे प्रयत्न आपके लिए यश में सफल होंगे और इनमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के सभी लोगों के साथ संबंध यश में अच्छे बनने की वजह से मन को भी यश में आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। नए कार्य की योजना करने के लिए परिवार और मित्रों का भी यश में आपको साथ प्राप्त होगा और दोस्तों खुद के जीवन को और बेहतरीन बनाने का प्रयत्न आपके द्वारा यश में किए भी जा सकते हैं जो कि आपके आगे चलकर बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि किसी नजदीकी मित्र की सलाह आपको अपने किसी विशेष कार्यों को पूरी करने में सहायक साबित होंगे तो यश में मित्रों की सलाह भी आप ले सकते हैं, ये आपके लिए उत्तम साबित होंगे। और कुछ समय से चल रही जो है शुरुआत संबंधी परेशानी भी यश में उनमें सुधार आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आप दोबारा अपने व्यक्तिगत कार्यों के प्रति यश में अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे जो कि आपके लिए अच्छा साबित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में किसी के साथ भी व्यर्थ के बाद विवाद में ना पड़े ना उलझन के साथ ये आपके लिए बेहतर होंगे क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इसकी वजह से आपके मान सम्मान पर आँच आ सकती है या फिर आपकी मान हानि हो सकती है तो यश में इनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वभाव में दोस्तों गुस्से और फिर चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति भी आ सकती है, आपको इन पर अंकुश लगाना चाहिए। दोस्तों यह समय जो है विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई के प्रति भी लापरवाह रहेंगे तो दोस्तों विद्यार्थी वर्ग यह समय सावधान रहने की कोशिश करें क्योंकि दोस्तों ये लापरवाही आपके भविष्य के लिए बहुत ही नकारात्मक साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि आपके बारे में गोपनीय बात किसी और को पता चलने की वजह से आपको तकलीफ का सामना भी यश में करना पड़ सकता है। दोस्तों गलत लोगों के साथ देने की वजह से मान हानि का भी सामना यश में हो सकता है, इसलिए इनसे दूर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। पैसे संबंधित व्यवहार ठीक से करें। साथ ही दोस्तों आपकी जो प्रतिष्ठा है इसमें बिगाड़ने की कोई कोशिश कर सकता है तो यश में सतर्कता रखना अति आवश्यक होगा। यश में आपके लिए असावधानी बहुत ही बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों अपने सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में भी आप सक्षम रहेंगे क्योंकि दोस्तों आपके अंदर जो मेहनत है जो लगन है आपके सभी कार्यों में यशमय सफलता आपको दिलाने वाली है। परिवार में भी दोस्तों उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपके जो कायदे कानून है वह यशमय आप बनाएंगे और इसमें आप अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। घर के माहौल को भी इसमें आप खुशनुमा बनाने में अच्छा योगदान भी देंगे। आपका दोस्तों उदारवादी दृष्टिकोण बच्चों के लिए जो है मिसाल रहेगा। यशमय विद्यार्थियों का भी ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा रहेगा लेकिन आपको इसमें मेहनत करने की आवश्यकता होगी नहीं तो दोस्तों आपका ध्यान इसमें कहीं और भी भटक सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय असमंजस जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए दोस्तों यश में निर्णय लेते समय किसी से बात ना करें। दोस्तों प्राणायाम या फिर मेडिटेशन करना आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर बनाएगा तो इन पर जरूर ध्यान दें। किसी भी प्रकार के लेन देन या फिर उधार देने की प्रवृत्ति से यश में बचें क्योंकि दोस्तों वापसी की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यशो में आपको बता दें कि अभी तक आप अपनी योजना पर टिके रहकर जो भी बात तय किए थे दोस्तों उन्हीं बातों को वास्तविकता का स्वरूप देने के लिए आप यश में सफल भी रहेंगे। फिर भी दोस्तों आपके अंदर और डिसिप्लिन लाने की आपको आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि संवाद योग्य तरीके से रखने की वजह से किसी के साथ चल रहे झगड़े को खत्म करना आपके लिए यश में आसान रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों कोई महत्वपूर्ण लाभदायक सूचना भी आपको मिल सकती है। प्रभावशाली लोगों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करें। दोस्तों आपको बता दें कि ये संबंध आपके लिए उन्नति का कारक बनेंगे, आपके नए मार्गों को इसमें ये खोलने वाले हैं तो दोस्तों इन पर भी ध्यान दें लेकिन अपने विरोधियों से इसमें आपको सावधान रहने की आशंका है। दोस्तों आपको बता दें कि घर में मेहमानों के आगमन से भी चहल पहल की स्थिति भी रहेगी। कभी कभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन और तनाव आपको जो अपने लक्ष्य से भटका सकता है, आपके मन में गुस्सा आ सकता है तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर इसमें आपको बचना चाहिए, अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए, अपने गुस्से पर इसमें आपको नियंत्रण रखना चाहिए तभी जाकर दोस्तों आप अपने कार्यों में अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे तो इन बातों को जो है ध्यान में जरूर रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों अगर लोन लेने की योजना बन रही है तो दोस्तों उस पर अच्छी तरह से सोच विचार भी इसमें आप कर लें। किसी के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप ना करें अन्यथा आपकी मान हानि इसमें संभव होगा।
और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि काफी समय बाद अपनी मेहनत द्वारा परिस्थिति में बदलाव लाना आपके लिए संभव हो रहा है। और दोस्तों अभी तक परिस्थिति भी पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं आई थी, इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहें, जीवन की नई शुरुआत करने का आपको इसमें मौका मिल रहा है, जिसका पूरा फायदा उठाने की यश में आपको कोशिश करना चाहिए। भावनात्मक तकलीफ आपकी यश में दूर होंगी, जिससे दोस्तों यश में आपका मन भी खुश रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश समय कार्य क्षेत्र में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेते समय घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह अवश्य लें, ये सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। निश्चित ही आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा, किसी उलझे हुए सरकारी काम में सफलता की उम्मीद भी यशमय बन रही है। विद्यार्थियों को भी किसी विभागीय परीक्षा में अनुकूल परिणाम यशमय हासिल होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यशमय परिवार के साथ हास्य परिहास व फिर मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा और दोस्तों सभी में आपसी स्नेह व फिर प्यार यशमय बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि परिवार में भी आपसी सहयोग और फिर बेहतरीन समाजस बना रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व फिर स्नेह परिवार को जोड़ कर रखेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इनसे दोस्तों आप यशमय परिवार के साथ आनंदित मूड में भी रहेंगे और परिवार के साथ समय भी व्यतीत करेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें, तो दोस्तों यशमय सुस्ती व फिर थकान की स्थिति रहेगी, बढ़ती ठंड से अपना बचाव अवश्य करें, दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे, तो इन बातों का गौर आपको यशमय करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों तथा वाहन का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि दोस्तों यशमय ग्रहों की स्थिति के कारण चोट लगने की आशंका बन रही है, तो यशमय सावधानी आपको बरतनी होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने की भी संभावना बन रही है।